अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? जो भी हमारा बिजनेस है, हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसमें, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया और कुछ भी चीज़ों को, उन जो भी चीज़ें हैं, कुछ हमारे पास कैश आया, कुछ हमने डिपॉजिट किया, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड हैं ये सब रिकॉर्ड होते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या हुआ कि रिकॉर्ड कीपिंग, हमने रिकॉर्ड किया। सेकेंड, अकाउंटेंसी क्या है कि जब भी हम किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, तो उससे हम उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटेंसी से अकाउंट, जो भी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, उससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट कैपेसिटी भी पता चलती है। थर्डली क्या होता है कि जो अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर आप जनरली जर्नल एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस के कुछ रजिस्टर्स देखेंगे या फिर अकाउंट्स देखेंगे, तो उससे इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखते हैं, तो उसमें बहुत कम टाइम में उस कंपनी के बारे में आप बहुत जल्दी देखकर बता सकते हैं। तो यही होता है कि किसी भी चीज़ को एक वेल मैनर्ड चीज़ में देखने से, अगर हम स्लाइड्स पे देख रहे हैं कुछ, तो हमें बहुत ईजी लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम बुक में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, उसको रीड करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसी को टेबल्स में कर देते हैं तो और इजी हो जाता है। तो यही सब अकाउंटेंसी है। तो लेट अस लुक एट इट्स डेफिनेशन। तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड होती है वही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जो हम अकाउंटेंसी की जर्नल एंट्री होती है फिर उसके अकाउंट्स बनाते हैं तो हम क्लासिफाई करते हैं, एंड देन समराइजिंग, जो हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर कि वो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाती है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आप मनी में होती है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, जो ऐसी ट्रांजेक्शन और इवेंट इन पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग देयर रिजल्ट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में देख पाते हैं। तो इसकी एक इजी से डेफिनेशन देखिए, तो इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर उनकी जर्नल एंट्री बनाते हैं जो कि मनी मैटर में होती है फाइनेंशियल, एंड कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो सबके पास जाता है, जो भी उस कंपनी से रिलेटेड होते हैं वो लोग देखते हैं, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, जिससे कि वो जजमेंट बना सके कि आगे हम कंपनी को, अगर वो कुछ और ब्रांचेस खोलना चाहते हैं या फिर कंपनी की कॉस्ट डिसाइड करना चाहते हैं या कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों अकाउंटेंसी क्यों जरूरी है और क्यों हम बनाते हैं अकाउंट्स और ये सारे रिकॉर्ड्स क्यों करते हैं। पहला, जिससे कि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि कंपनी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है। थर्ड, हमें फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है, जो कि हम यूजर्स को भी दे सकते हैं अगर वो जानना चाहते हैं तो, क्योंकि सारे यूजर्स तो आके कंपनी के ट्रांजैक्शंस को नहीं देख सकते, तो इसलिए वो उन रिकॉर्ड्स को, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। देन क्या होता है, द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व सेवरल की ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं तो ये ऐसे ही नहीं होती हैं, जैसे कि हमने कुछ परचेज किया तो हमारे पास उसका वैलिड बिल होगा और उसी के बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन्स बनाएंगे, हमारे पास चेक होगा कहीं कंपनी से आया, फिर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग डिटेल्स हो, बैंक की डिटेल्स होंगी और इन्वॉइस होगी पे सप्लायर की, कस्टमर की, तो ये सारी चीज़ें जो वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप होगी, ठीक है। देन किसको, कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अकाउंट से रिलेटेड, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट को भी चाहिए होती है टैक्सेस के लिए, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, मैंने कुछ के को यहाँ पे मेंशन किया है। तो शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, और इन्वेस्टर्स जिनका शेयर होता है कंपनी में, शेयर होल्डर वो इन्वेस्टर्स जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और क्रेडिटर्स जो हमारी कंपनी को लोन देते हैं या फिर क्रेडिट पे कुछ हम खरीदते हैं तो उनसे उधार खरीदते हैं, और एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं इस कंपनी में बिजनेस में। ओके, देन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या है, हम कुछ भी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, तो ये सब ट्रांजेक्शन्स हुए। तो एंड अगर डेफिनेशन देखते हैं तो एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। कैपिटल, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर कंपनी में कुछ पैसा लेकर आता है एज ए कैपिटल, तो वही कैपिटल होता है। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं कंपनी के, एसेट्स वो होते हैं जैसे कि कंपनी में कैश हुआ, जो भी हमने कुछ सामान खरीदा
तो वो स्टॉक हो गया, और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे सब हमारे एसेट्स में आते हैं। तो अगर हम एसेट्स की डेफिनेशन देखें तो एसेट्स क्या है? एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन इट्स यूज बाय द बिजनेस। ओके, तो जैसे कि ट्रक हो गया, सुपर बाजार में हमने ट्रक खरीदा। और फिक्स्ड एसेट्स आर, और इसमें कुछ दो टाइप्स के एसेट होते हैं, एक करंट एसेट और फिक्स एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम एक एक जो वन ईयर है उसमें वो हम कैश में रिसीव कैश में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट एसेट्स आर एसेट हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म, जो हम शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, जैसे कि डेटर्स हुए, बिल्स रिसीवेबल हुए, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको। तो ये सब कैश एट बैंक, ये सब हमारे एसेट्स करंट एसेट्स में आ जाते हैं। अगर फिक्स एसेट्स की बात करें तो जो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जिसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग। तो हमने करंट एसेट्स और फिक्स एसेट देख ली। देन वी कम टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो होती हैं जैसे कि हमने कुछ परचेज किया क्रेडिट पे, हमने उधार में परचेज किया और कुछ टाइम बाद उसको पे किया, तो ये हमारी लाइबिलिटीज हो गई। तो लाइबिलिटीज का भी यही है कि जो जिस जो हम वन ईयर के अंदर में पे कर देते हैं तो वो करंट लाइबिलिटीज हो जाती हैं, और जो जो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टर्म के लिए जो हम लोन्स लेते हैं तो वो हमारे फिक्स लाइबिलिटीज कहें, या तो फिर हम उन्हें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। देन कैपिटल मैं बताई चुकी हूँ। एक्सपेंसेस जो भी कंपनी में खर्चे होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कमीशन पेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, रेंट पेड हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस में आते हैं। तो एक्सपेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हुए जैसे कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया, ठीक है। और जो मैंने आपको इससे पहले जो चीज़ें बताई थी वो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी। देन वी कम टू इनकम। इनकम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो इनकम वही होगी जो कि हमें रिसीव होती है, जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, तो ये सारे हमारे इनकम में आ जाते हैं। अब डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। डिस्काउंट बेसिकली है क्या, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको उसमें कुछ, या कंपनी से कोई पर्सन हमसे कुछ लेता है मैन्युफैक्चरर से, अगर वो होलसेलर को कुछ सेल करता है, तो अगर वो काफ़ी अच्छी मात्रा में ले रहा है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सारा पेमेंट कैश में मिले, तो हम इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए हम कैश डिस्काउंट भी दे देते हैं कि आप इतना अगर ये पेमेंट कैश में करते हो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद आता है ड्रॉइंग। जो बिजनेसमैन जो भी ओनर है, जो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीदता है, तो वो ड्रॉइंग्स में आता है, क्योंकि जो हमारा जो बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर है जो सेपरेट एंटिटी मानी जाती है अकाउंटेंसी में। अब आते हैं परचेजेस पे। हम जो भी परचेज करते हैं वो परचेजेस अकाउंट में जाता है, ये हमेशा डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट, जो भी हम सेल करते हैं वो सेल्स अकाउंट में जाता है, जैसे कि हमने गुड्स सेल किए, जैसे कि हमने कंपनी में हमारी कंपनी लैपटॉप्स बनाती है तो हमने वो सेल किया, तो ये सब सेल्स में आता है। डेटर्स वो होते हैं, इनको करंट एसेट्स में आते हैं डेटर्स, जिनसे हमने कुछ उधार लिया होता है तो वो डेटर्स में आते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया होता है। अब क्रेडिटर्स भी, जो शॉर्ट टर्म्स के लिए हमने कुछ लोन्स लिए होते हैं, मतलब कि लेस देन वन ईयर, तो क्रेडिटर्स में आते हैं। इनको अगर बैलेंस शीट में लिखते हैं तो सनड्राई क्रेडिटर्स और सनड्राई डेटर्स भी लिखते हैं। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो सम होगा वो एसेट्स होगा। एसेट्स मैंने आपको बताया करंट एसेट फिक्स्ड एसेट, तो इसमें कैश स्टॉक जो भी परचेज किया वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, लैंड मशीन बिल्डिंग ये सब आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटीज में लोन्स आ गए, बिल्स पेएबल आ गए, कैपिटल जो ओनर लेकर आता है। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होगा, अगर वो इंक्रीज मतलब अगर वो ज्यादा अगर बढ़ता है, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होंगे, डिक्रीज अगर वो कम होते हैं तो वो क्रेडिट होंगे। और एक्सपेंसेस का भी सेम यही रूल होगा, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल अगर हमारा इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो ये सेम रूल लाइबिलिटीज और इनकम्स पे भी आता है। अब हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कुछ। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो ओनर होता है जो कंपनी में जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो कुछ पैसा लेकर आता है उसको कैपिटल कहा जाता है। तो इसकी एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू
कैपिटल अकाउंट. तो कैश अकाउंट कितना है 5 लाख, कैपिटल 5 लाख. और जिस तरीके से हम सी लैंग्वेज और जो लैंग्वेजेस देखते हैं तो उसमें क्या हम कमेंट लिखते हैं, उसी तरह हमारे अकाउंट से हम नोटेशन लिखते हैं. इसको नोटेशन कहते हैं, बींग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल. और ये लेजर फोलियो, ठीक है. देन सेकेंड एंट्री, गुड परचेज फॉर कैश. तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश 10,000. मैंने आपको बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है. देन वी कम टू नेक्स्ट एंट्री, गुड सोल्ड फॉर कैश. कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000 एंड सेल्स 5,000. बींग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. देन वी कम टू सैलरी पेड बाय कैश. तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट 15,000 टू कैश 15,000. क्योंकि कैश हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो ये कुछ एंट्रीज थी. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और से भी थोड़ी एंट्रीज बताऊंगी. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट में आप अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.